हाँ जी, तो क्या नाम है आपका? अभिजीत। अभिजीत जी, कहाँ से रहने वाले हैं आप? महाराष्ट्र चंद्रपुर जिला। महाराष्ट्र चंद्रपुर जिला। और आप मुझे ये बताएं कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में? बस 3 से 4 साल का ही है सर। 3 से 4 साल, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर भी आप ये हमें एक बात और क्लियर करें कि आप इससे पहले किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने गए, नाम मत बताना, बस इतना बताना, गए थे ऑफलाइन गए थे या ऑनलाइन गए थे? गया था ऑफलाइन गया था सर। अच्छा, हाँ। अब देखो, वहां पर आपने जो सीखा हमें नहीं पता, आपने जो भी सीखा होगा बेहतर सीखा होगा, क्योंकि कोई टीचर गलत नहीं पढ़ाता, ठीक है। अब बात करते हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है, उसके बाद अलग है। आप ये बताएं कि आज आपने कौन सा सेक्शन पढ़ा? आज डेट सेक्शन पढ़ा हमने। डेट सेक्शन, हाँ। डेट सेक्शन में अगर हम आपसे बात करें, ये एक टॉपिक है, इतना बड़ा सारा जंजाल लग रहा है, अच्छा क्या इसको आप बिना देखे आप ये बता सकते हो कि इसके अंदर कितनी बक कॉइल्स पे वोल्टेज एक्टिव हो सकेगा? 6 बक कॉइल पे एक्टिव होगा वोल्टेज। नहीं नहीं, बता, नाम मत बताना। नहीं, नहीं। अच्छा, एलडीओ सेक्शन, कितने एलडीओ सेक्शन अनेबल होंगे? 6 पक्का? हाँ, श्योरिटी है? बिल्कुल। अच्छा, एक डेड फोन को चेक करने के लिए कंट्रोल में क्या अनेबल होगा, कितने कंट्रोल अनेबल होने चाहिए? 4। अरे वाह, आपको पता है अगर किसी फोन का स्कीमेटिक नहीं है तो उस फोन को, डेड फोन को चेक कर लोगे? हाँ सर, बिल्कुल चेक कर लूंगा। स्कीमेटिक नहीं रहा तो भी डायरेक्ट चेक कर लूंगा। डायरेक्ट बक कन्वर्टर आप मीडियाटेक का चेक कर लोगे, क्वालकॉम का चेक कर लोगे, किस किस फोन का चेक कर लोगे? सभी, क्वालकॉम, मीडियाटेक, कोई भी हो। अच्छा, आज हमने ना 15 फोन की डीसी रीडिंग देखी थी, 15 फोन की डीसी रीडिंग देखी थी, और उसमें से फोन की डीसी रीडिंग देखी फॉल्ट, ये फॉल्ट, ये फॉल्ट, ये फॉल्ट। तो क्या आप डीसी रीडिंग से फोन को चेक करके ऑन है, डेड है, लीकेज है, शॉर्ट है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, क्या है, आप बता सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल, वो डीसी रीडिंग से डायरेक्ट मतलब फॉल्ट ही समझ में आता। अच्छा, मेरे पास भी ये कोरट की डीसी मशीन है, लेकिन मैं सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए उसको चलाता था, लेकिन आज जो भी फोन देखा उससे मतलब पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया कि क्या, कौन से रीडिंग पे क्या आना चाहिए क्या नहीं, कौन से मोबाइल फोन, मतलब फॉल्ट समझ में आता पूरा, ठीक है। अच्छा, आज ये बताओ, डेड सेक्शन जिस लेवल पे हमने पढ़ाया, क्या उम्मीद करते हो, कोई क्या किसी इंस्टीट्यूट से कैसा मिल सकता है? नहीं सर, आज जो अपन हमने पढ़े वो मतलब पूरे फंडे ही क्लियर हो गए हमारे, मतलब पूरा माइंड क्लियर हो गया कि क्या प्रॉब्लम से क्या आना चाहिए। अभी तक मैं 3-4 साल से शॉप में काम करता था, बस डेड आया, हल्की हल्की सी मतलब नॉर्मल रीडिंग चेक करो, बैटरी चेक करो, खत्म, उसके आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन आज जो हमने देखे प्रैक्टिकली थियोरेटिकली, मतलब पूरे फंडे क्लियर हो गए। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं यही डेड सेक्शन आज आपने जो समझा, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, यही डेड सेक्शन आप किसी और को समझाना चाहो समझा पाओगे? हाँ सर, बिल्कुल समझा सकूंगा। इस लेवल पे आपको ट्रीट किया गया, तो आपके यहाँ से कोई भी आना चाहते हैं, उनको हैंड स्किल नॉलेज चाहिए और उनको डेड फोन की नॉलेज चाहिए, उनको एक एक फोन में अपने एरिया में परफेक्ट लेवल पे काम करना है, तो क्या वो आ सकते हैं यहाँ पर? उनका पैसा वसूल होगा? बिल्कुल पैसा वसूल होगा, कभी भी आओ, बिंदास फुल पैसा वसूल है। कितने लोग आए थे आप एक साथ मिलके? हम 2 जन आए थे महाराष्ट्र से, बस दोनों भी फुल सेटिस्फाई है। फुल सेटिस्फाइड हो? मतलब पैसा फंसा नहीं, फंसा ऐसा कुछ विषय नहीं, फुल सेटिस्फाई। फुल सेटिस्फाइड हो? अच्छा, डेड सेक्शन को जो एक आप इतना बड़ा इशू समझते थे, क्या लगता है आज? बस पूरा टेंशन फ्री हो गया आदमी ये देख। अच्छा, टेंशन फ्री। हाँ ठीक है, तो आपने इतना हमारे लिए किया और इतना हमारे सपोर्ट किया कि आपने इतना कंसंट्रेट के साथ क्लास देखा, आज आप ये भी बोल रहे हो कि हम इस चीज को किसी दूसरे को भी एक्सप्लेन कर लेंगे, विदाउट स्कीमेटिक फोन रिपेयर कर लोगे, ये चीज आप ना ऐसे ना, ऐसा तो नहीं है स्क्रिप्टेड बता रखी है पहले से? अरे नहीं सर, हम ये पूरा दिल से बता रहे, जो है वो है। अच्छा, इतनी दूर से आप दिल्ली में आए हो, अगर आप स्क्रिप्टेड बताओगे तो आपसे गलत तो होगा ही नहीं कोई? नहीं सर, स्क्रिप्टेड वगैरह कुछ नहीं, हम जो भी है वो दिल से, सब दिल से है, सब दिल से, जो दिमाग में है वही दिल में है, समझो। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, काम करो, जहां भी फंसोगे हम हमेशा साथ में है।